पहले यहाँ पर बहुत लोग नहीं होता था, मार लड़ाई होता था, सब कुछ नहीं। लेकिन अब से जो भी सरकार है तो ना कर्फ्यू लग रहा है ना कुछ हो रहा है, गुंडाराज नहीं चल रहा है। अरे चाहे दंगा फसाद होता था, वहाँ थाना चार्ज, वहाँ गाड़ियाँ फूकी जाती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन आपकी सरकार में कुछ नहीं हुआ है। आपकी सरकार में कुछ नहीं, आपकी बहुत अच्छे सब लोग हैं, बहुत ही विकास हुआ है। हमारे यहाँ 32 साल में बिजली का अच्छा मौका मिला है, हर चीज़ का अच्छा मौका मिला है। कोई यहाँ सब लोग खुश है, बीजेपी सरकार यहाँ से अच्छी, जय श्री राम, एकदम अच्छी चीज मिला। विकास का भी मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है, कोरोना काल का मुद्दा है। कम से कम इस कोरोना काल में जो है जनता को इस तरीके से हिफाजत की गई, जनता की, इसको हम लोग भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई है कम से कम। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म नहीं, गुंडागर्दी एकदम से खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ यहाँ पहले क्या हुआ था, कैसी गुंडागर्दी थी? अरे बहुत गुंडागर्दी थी, जो थोड़ा भी जो है सरकार से सटे रहते थे वो अपनी मनमानी करते थे। अच्छा, और क्या, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कानून व्यवस्था अब अच्छी है, अब अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब जाते हैं तुरंत कंप्लेंट हो जाती है, कंप्लेंट हो जाती है, जो कुछ गलत करता है वो धरा जाता है, कार्रवाई भी होती है, कार्रवाई भी होती है, सारे अपराधी कार्रवाई भी होती है। अच्छा, एक सरकार है। हाँ, मैं आप लोगों से एक मुद्दे पर और बात करूंगी। देखिए, अभी हाल ही में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बनारस में जो है रैली कर रहे थे, वहाँ पर बनारस के लोगों ने ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए, क्या कहेंगे आप लोग इसका? काले झंडे उनका जैसे गलत बात है, काला झंडा उंडा होना नहीं चाहिए, होना ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, ये गलत चीज है, किसी को काला झंडा विरोध ना करें ममता बनर्जी का, विरोध अलग चीज का तरीका दूसरा है, विरोध का तरीका दूसरा है। यहाँ ममता बनर्जी जी क्या कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल नहीं है। अच्छा, ये ममता बनर्जी क्यों अखिलेश के समर्थन है, क्यों रैली कर रहे हैं? वो उनका अपना, वो भी हराम खोर है, का वो तो चोर है, ये भी हराम खोर है, वो भी चोर है, ममता बनर्जी भी चोर है, ये भी चोर है। कोई फायदा नहीं, जूता खाने के लिए आई थी, सही किया, कारण ये नहीं उसको काला जूता से मारना चाहिए था। क्यों यहाँ आई, क्या यहाँ है, क्यों यहाँ, क्या आई, क्या रखा उसका, मुंडे कराने के लिए आई थी ना, जैसे वहाँ कर रहा है बंगाल में करवा रही है, योगी को नहीं बनने दूंगी। क्यों यहाँ पर योगी ऐसा मतलब कोई भारत वर्ष में है, प्रधानमंत्री मठ में चले, बाबा के काम का वो देश को देखना, देख रहा है, लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां रोड पे चल रही हैं, आधे रात पछेरा कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी कहती है बाबा ने ज्यादा गुंडागर्दी कर दी, यूपी को बाबा से मुक्त करना है। नहीं नहीं, ममता बनर्जी आई थी इसलिए ममता बनर्जी बंगाल में बनाई है, गुंडे चरण सीमा पे है, उसे अखिलेश यादव भी यहाँ आ जाए, यहाँ भी गुंडे चरण सीमा पे रहे, एक धर्म जात के लोग थाना चलावे, आदमी काटना हो तो 50,000 रूपया, गोरू काटना हो तो 20,000 रूपया, अखिलेश शासन में खुला रेट था ये। अच्छा, बंगाल में ममता बनर्जी ने जैसे बीजेपी की रैली होती थी, वहाँ पर भी काफी टीएमसी के समर्थकों ने काले झंडे दिखाए थे, तो अभी ममता बनर्जी क्यों नाराज हो रही है? तो ममता बनर्जी ने नाराज हुई है कि ममता बनर्जी का बोलते हैं उनके पीछे योगी पड़ गए हैं, मोदी पड़ गए हैं, अभी 73 सीट लेके आई है, बिना काबो तो उसके बिना काबो से उसके काम के लेके आई है, वहाँ 73 सीट उन्होंने रोक दिया, ममता बनर्जी ने रोक दिया, 3 सीट से क्यों रोक कर दिया, यहाँ क्या करने आई है, वहाँ तो 73 ले लिया, आपकी बार उसका पूरा ले लेंगे बंगाल में, आपकी बार बंगाल भी ले लिया। तारा साहब ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव जी, बीजेपी के लोगों को क्यों मरवा रही थी बंगाल, बीजेपी काम होते लगवा रहे थे, यहाँ मुस्लिम राज खुश कर देंगे और क्या, इसलिए मरवाया जा रहा है। वोटर के सहारे बंगाल में फर्जी वोटरों के सहारे इनकी सरकार बनी है, मुस्लिम तुष्टिकरण करना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और भारत के आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। ममता बनर्जी यहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण करने आई है, मुस्लिम तुष्टिकरण एकदम, मुस्लिम हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, यहाँ पर टोटल मुस्लिम और हिंदू लड़ाना चाहती थी, हमारे हिंदू सब सचेत जी खुल। अरे अखिलेश यादव का समर्थन क्यों कर रही है, क्यों अखिलेश की सरकार, क्या तो गुंडा दोनों लोग ममता बनर्जी का क्या फायदा है? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, यहाँ पे केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं,
सबको डर है कि हमको जेल जाना पड़ेगा। सारे अपराधी जेल जा रहे हैं, बीजेपी को हराने से क्या मिल जाएगा? सब विपक्ष को गुंडा राज हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। भ्रष्टाचार होता था, चाय दुकान पर कोई नहीं गरीब बैठ पाता था, होटल नहीं चलने पाते, 100 ग्राम दूध बेचने वाला रात तक लोग होटल चलाते हैं, कोरोना काल में कोई नहीं दिखा पड़ा था। चाय की दुकान पर आकर माफिया वगैरह कुछ गुंडा करते थे, पी लेते थे, पैसा नहीं देते थे। अच्छा, ये किस राज्य में? अखिलेश के समाजवादी के सरकार में होटलों भट्टियां तोड़ दी जाती थी। अच्छा, भाजपा के राज में सब गरीब जी खा रहे हैं, कोई माफिया गुंडा नहीं आता, सब यूपी ऐसी। जो बंगाल का मुद्दा उठा रही है, सबसे अलग विरोध सीए एनआरसी का बंगाल में किया गया। ममता बनर्जी अगर जीती वहाँ पे, उनका जीतने सीमे के लिए तो बांग्लादेशी मुसलमान को दोनों रोक रखा है। अगर वहाँ पे राज लागू कर दे सीए एनआरसी को, तो ममता बनर्जी वहाँ 10 सीट नहीं मिलेगा हमको। अच्छा, मुसलमान के बल पर जीती है। आज वहाँ भाजपा हारी नहीं, भाजपा जीती है वहाँ पे, भाजपा कमर खिला है।